कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए तो उसमें अकेले बीएसपी का ही नहीं बल्कि अपोजिशन में बीजेपी को छोड़कर अपोजिशन में अन्य पार्टियों का भी कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो इसको लेकर हमने ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात आप लोगों के संज्ञान में लाई, पूरे देश के संज्ञान में लाई। इसको लेकर हमने 11 अप्रैल को धरना प्रदर्शन भी किया और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए तो ये भी मैंने महसूस किया कि ईवीएम के साथ साथ तो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के जिन वरिष्ठ लोगों को मैंने जिम्मेवारी दी हुई थी चुनाव लड़ाने की और उम्मीदवार तय करके मेरे सामने लाने की, तो उनको भी लेकर मैं थोड़ा समीक्षा कर लूं कि जनता का जो क्षेत्र की जनता है जो बीएसपी से जुड़ी है उनका क्या कहना है। ईवीएम तो में तो गड़बड़ी एक मुख्य कारण रहा है, हमारा वोट प्रतिशत कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है लेकिन सीटें हमारी काफ़ी कम हुई हैं ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जो पश्चिमी यूपी है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी, खास तौर से जो मुस्लिम बहुल एरिया है, तो मैंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पिछले कई साल से उधर लगाया हुआ था ये सोचकर कि ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये दलित पिछड़े और अपर कास्ट समाज के लोग तो बीएसपी से जुड़ी रहे हैं, वो इनकी वजह से जुड़ने वाले नहीं हैं लेकिन ये मुस्लिम होने के नाते अपने समाज को बीएसपी में जोड़ेंगे, ये सोचकर मैंने इनको उधर लगाया था। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद तो पश्चिमी यूपी से और उत्तराखंड से भी और लखनऊ मंडल के जो पार्टी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, विधानसभा के लोग थे पार्टी संगठन के, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बहन जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ईवीएम में तो गड़बड़ी हुई है लेकिन जिनको आपने इधर हमारे ऊपर बैठाया हुआ है तो इनको यदि आप पार्टी से अलग नहीं करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी। लोग बीएसपी की विचारधारा से जुड़े, मूवमेंट से जुड़े, आपके नेतृत्व से जुड़े हैं लेकिन जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है तो उससे पार्टी आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी। तो मुझे पार्टी के लोगों ने, अलग अलग मंडल के लोग मुझसे यहाँ लखनऊ में मिले, दिल्ली में भी मिले, जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो उन्होंने ये बताया कि बहन जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पश्चिमी में लगाया है ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है, ये पैसा कमाता बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है और जो सही लोग हैं पार्टी के तो उनके सामने इस किस्म की बातें करता है और उनको प्रवोक करता, उकसाता है, उनकी बातें टेप कर लेता है जो सही लोग हैं और जो इसकी जेब के लोग हैं तो उनको आगे करने के लिए उनको फिर डराता है कि बहन जी ये टेप हम बहन जी को सुना देंगे तो बहन जी आपको पार्टी से निकाल देगी।
आपको पद से निकाल देगी, आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जो टॉप के वर्कर थे उनको साइडलाइन इन्होंने किया, जो इनके जेब के लोग थे तो उनको ये आगे करते रहे और वो टेप के जरिए लोगों को डराते रहे और लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते रहे कि देखो मुझे अभी इतना पैसा चाहिए और मेरे को आप पैसा दो। उनको पैसा भी उनसे उगाते रहे और उनको डराते भी रहे। तो मैं सोचा कि ये हमारे लोग ऐसी बातें मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो आज मुझे मालूम हुआ कि जो आप लोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे कि जो पश्चिमी यूपी के लोग कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है, ये पार्टी का हितेशी आदमी नहीं है, आज ये स्पष्ट हो गया है कि जो आदमी बीएसपी में रहकर जिसको इतना बढ़ावा दिया हो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को टेप कर सकता है और उसको अपने हिसाब से काट छाट करके मीडिया के सामने दिखा सकता है, तो वो उससे आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी मैंने इनको लगाया तो वहाँ इन्होंने टेपिंग ब्लैकमेलर के रूप में काम करके किस तरीके से हमारे मूवमेंट को इन्होंने धक्का पहुँचाया, कितना मूवमेंट को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो ये बात आज जो मीडिया में मैं प्रेस, आप लोग जब प्रेस में उधर थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस चल रही थी, मैंने पूरी बात को सुना है तो वो क्या बोल रहा था। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टेप में आप लोगों ने सुना है वो कोई नई बात नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है कि बीच में उसको काट छाट किया है। और इतना ही नहीं, आपको जब ये इलेक्शन होने वाला था उससे लगभग एक साल पहले हमारे लगभग टिकट फाइनल होने शुरू हो गए थे, तो मैंने उत्तर प्रदेश में जो जोन के हमारे इंचार्ज थे, मैंने उन सबको ये कहा था, जिनको भी जिम्मेवारी दी थी कि देखो आप मेरे पास कैंडिडेट तो ला रहे हो लेकिन दलितों का वोट तो मिल जाएगा जो बेस वोट है बीएसपी का, और जिसको भी आप ला रहे हो मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनका समाज का वोट प्लस होगा या नहीं होगा, वो उनके लोग बीएसपी से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं। तो मैं बार बार ये कहती थी कि यदि उनका वोट प्लस नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है, बोलते आप मेंबरशिप की किताबें दे दो। मैंने कहा आप मेंबरशिप की किताबें ले जाओ, कूपन ले जाओ बीएसपी के, लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी है कि इलेक्शन से पहले पहले आप उनको अथॉरिटी लेटर दो, उससे पहले पहले मेंबरशिप की किताबों का हिसाब प्रदेश कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए, पूरा हिसाब किताब, नहीं तो बाद में हमको दिक्कत हो जाएगी। फिर वो जो चुनाव हार गए वो ना किताबें देंगे ना हिसाब देंगे, पैसा भी खा जाएंगे, जो जीत गए वो तो दे देंगे। तो सब लोगों को मैंने कहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मैंने कहा कि भाई आप भी थोड़ा देख लेना, इन्होंने ज़्यादा किताबें ली जोश दिखाते हुए कि नहीं मेरे लोग जीत जाएंगे। तो मेंबरशिप की किताबें वो प्रदेश कार्यालय से लेकर गए और मैंने उनको कहा कि भाई देखो इलेक्शन अनाउंस जब हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मैंने ये कहा कि ये किताबें आप लोग जमा करो, पैसा जमा करो, और नोटबंदी उससे पहले हुई थी तो वही पैसा हमने जो पूरे देश से आया था हमने बैंक में पार्टी के अकाउंट में जो आ गया था वो हमने जमा कराया था, जिसको इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने मेंबरशिप की किताबें इलेक्शन से पहले तो पार्टी के संगठन के लोगों को दी और जिनको टिकट के लिए लाए हमने बोला ये किताबें दे दो, यदि वो अपने समाज के कुछ लोगों को मेंबर बना लेते हैं बीएसपी का हम समझ लेंगे कि वो वोट प्लस हो जाएगा। तो हमने किताबें दे दी। अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किताबें आ गई थी, इनके पश्चिमी यूपी में ये जब रिजल्ट आ गया तो मैंने पूछा मंडल के हिसाब से कि भाई आपको इतनी किताबें दी थी और ये कैंडिडेट को इतनी दी थी, संगठन को इतनी दी थी, ये पैसा अभी तक आप लोगों का आधा जमा हुआ आधा नहीं जमा हुआ, ये पैसा कहाँ गया। तो पार्टी के लोगों ने बोला कि हमने तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दे दिया था, कुछ ने बोला उनके लड़के को हमने पैसा दे दिया था, हमारे यहाँ से तो पैसा पूरा चला गया है। तो पार्टी के अकाउंट में पार्टी के इधर रिकॉर्ड में पैसा जमा नहीं था। तो हमने फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया
कि आपने बहुत धोखा किया है। एक तो आपने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले हिसाब पूरा जमा नहीं किया, और अब मैं आपको उत्तराखंड से भी हटा रही हूँ, चार मंडल से भी हटा रही हूँ, और लखनऊ में भी ज़्यादा आपको काम नहीं दिया जाएगा। जो आपने अपनी जिम्मेवारी पर जिन उम्मीदवारों को मेंबरशिप की किताबें दिलवाई कि वो अपने समाज का बीएसपी का मेंबर बनाएंगे, और जिन संगठन के लोगों को दिलवाई उनका अभी तक हिसाब पूरा नहीं आया है, आधा जमा हो गया है, और आधा अब पार्टी के लोग बोल रहे हैं रिजल्ट निकलने के बाद कि हमने पैसा नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूरा दे दिया। तो हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये कहा कि जब आपको वो कहते पैसा दे दिया है तो बोलते कि नहीं दिया। हमने बोला ऐसा करो, जिन्होंने को आपने किताबें दी हैं, चाहे संगठन के लोग हैं या कैंडिडेट हैं, आप उनको इधर लखनऊ लेकर आओ मेरे सामने, आमने सामने बात होनी चाहिए, मालूम हो जाएगा। और यदि आप हिसाब किताब, वो कहते हमने आपको पैसा दे दिया है, और यदि आप हिसाब किताब नहीं देते हैं तो आपको जमा करना होगा। ये गरीब और मजलूमों की पार्टी है, लोगों ने पैसा दिया और आपने अपने घर में इसको पैसा रख लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी ज़मीन जायदाद बेच के तो पैसा दे दूंगा। मैंने कहा देखो आप फालतू की बातें मत करो, मेरा टेलीफोन टेप भी होता है, उसमें आप फंस जाओगे, आपका हो या ना हो मेरा टेलीफोन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़रूर टेप कराती है, आप ज़रूर फंस जाओगे। मैं नहीं चाहती कि आप फंसे, बेहूदी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनको कई बार उनको समझाती रही, लेकिन उन्होंने आज तक, मतलब कल उनको पार्टी से निकाला है, लेकिन इन्होंने 8 तारीख तक, ये 8 तारीख तक यानी कि 9 तारीख तक इन्होंने 9 मई तक अपना हिसाब किताब जमा नहीं किया। और दूसरा इनको, और इन्होंने और भी कुछ कारण थे जो पश्चिमी यूपी के लोगों ने मुझे बताए, और आपको उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रही, क्योंकि कल मेरे दिशा निर्देशन में तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को मैंने अधिकृत किया था कि मैं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, क्योंकि इनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण, पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण काफ़ी, ये तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है, और बड़ा एग्जाम्पल उनको निकालने का मुझे पश्चिमी यूपी के लोगों ने जो बताया, तो वो बातें तो कल सतीश चंद्र मिश्रा जी ने तो वो आप लोगों के सामने रखी थी, उन सब बातों को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि बीएसपी बड़े बड़े दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, कोई भी छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, चुनाव को लड़ने के लिए हम दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेते।